तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राय तेरी, सुन कभी आए मेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं तकती नहीं रातें मेरी, कि ख्वाहिशों पे बाग की बारिश है अजाब की, कहां धूप में रह सके सवालों की, दर्द भरे राहों पे कर कर सवालों पे, जो सितम तेरा तेरे जाने वालों पे, तरसती है निगाहें मेरी। इसको इजी करने के लिए मैंने सेकंड फ्रेट पे की को यूज़ किया है, ठीक है, बी माइनस की स्केल है की है, ठीक है। और अब अगर आपको थोड़ा हाई स्केल पे चाहिए तो आप इसको शिफ्ट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं उसकी पिच, ठीक है, सॉन्ग की। तो जो पहला कॉर्ड है वो है ए माइनर, दूसरा कॉर्ड है एफ मेजर, थर्ड वन है सी मेजर, लास्ट में है जी मेजर, ठीक है। तो इसमें मैंने चार कॉर्ड ही यूज किए हैं इसको इजी रखने के लिए, और ये चार कॉर्ड में पूरा सॉन्ग हो गया है आराम से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर, लास्ट में जी मेजर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। जिसमें मैंने रिदम यूज किए वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड डाउन अप, और जो लास्ट का डाउन अप है वैसे फिलर काम करेगा, तो एक्स्ट्रा डाउन अप लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको रिदम में ही काउंट करेंगे, ठीक है। डाउन अप डाउन अप डाउन अगेन अप डाउन अप डाउन एंड लास्ट में डाउन अप, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हाफ ऑफ रिदम का इस्तेमाल करना है, जैसे ए माइनर टू एफ मेजर पे हाफ ऑफ रिदम रहेगी और सी मेजर टू जी मेजर ये हाफ ऑफ रिदम रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके से है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, फिर से देख लेते हैं, डाउन स्ट्रोक देन अप डाउन अप डाउन अगेन अप डाउन अप डाउन एंड डाउन अप, ठीक है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड डाउन अप, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। इसमें एक सबसे बेसिक सी प्रोग्रेशन मैंने यूज की है, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो पूरा सॉन्ग ऑलमोस्ट प्ले हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रोग्रेशन है वो है ए माइनर, F major, C major and G major, ठीक है। और यही यूज हुआ है मोस्टली, और आखिरी में थोड़ा सा चेंज है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। तो ये जो पहली लाइन है कुछ तरीके से है, ऐसा नहीं F major, कहीं कोई C major, गलत फहमी जो G major बनी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन एग्जैक्टली सेम है, खोया नहीं एफ मेजर, नापन सी मेजर, एहसास की राह जी मेजर चुनी है, ठीक है। तो आप दो काम कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप सिर्फ सिंगल सिंगल स्ट्रोक स्टार्टिंग में कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर यहीं से आप रिदम शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं कोई, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लकिंग यूज करनी तो आप वो भी कर लो, ठीक है। तो आप पूरा गाना भी इस प्लकिंग पे बजा लेंगे तो ये अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। अगर प्लकिंग पे लेसन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्लकिंग पे एक क्लास बना दूंगा इस सॉन्ग पे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, स्टार्टिंग में जैसे भी करना है, ठीक है। प्रोग्रेशन सेम रहेगी, ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर एंड जी मेजर, ठीक है। तो स्टार्टिंग का हमने देख लिया, अब वो लाइन आती है, तरसती है निगाहें, ठीक है, सेम प्रोग्रेशन रहेगी, तरसती है निगाहें, एफ मेजर मेरी तकती है राहें, सी मेजर सुन कभी आए, जी मेजर मेरी, ठीक है। इसके बाद की जो लाइन एग्जैक्टली सेम है, सेम मेलोडी है, बस वर्ड्स डिफरेंट है, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं अन्ना
प्रोग्रेशन थी, तो इसको रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। तरसती है निगाहें तेरी तकदीर पर सुन कभी आए मेरी, ये कैसे मैं बताऊं मुझे सोती नहीं कटती नहीं राह मेरी। ठीक है, ताकि भी समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद की लाइन है, सेम प्रोग्रेशन है, लेकिन जो इस लाइन की जो पिच है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, एक ख्वाहिश पैगाम की बारिश आसान की खबर के सवाल की। ठीक है, सेम प्रोग्रेशन रहेगी, एक ख्वाहिश पैगाम की बारिश आसान की खबर के सवाल की। एग्जैक्टली सेम लाइन आगे भी है, सेम प्रोग्रेशन, दर्द भर सेम प्रोग्रेशन, ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर एंड जी मेजर। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब जो आगे की जो लाइन है उसमें प्रोग्रेशन थोड़ी सी चेंज है, वो कुछ इस तरीके से है, सी मेजर, ठीक है, उसके बाद है ए माइनर एंड लास्ट में जी मेजर। ठीक है, तो अब चाहे यहाँ पे आप सिंगल सिंगल स्ट्रोक प्ले कर लें या फिर प्लकिंग कर लें या फिर रिदम प्ले कर ले। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है, ढल नहीं जाते पल नहीं जाते, ये माने डूबते हैं सामने जी मेजर, दिल भर जाते हैं। ठीक है, तो सी मेजर, ए माइनर और जी मेजर, और सेम नेक्स्ट लाइन भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, शुरू से प्ले करते हैं, ढल नहीं जाते तरसती है निगाहें तेरी तकती है तेरी। ठीक है, फिर इसके बाद हम रिपीट करते रहेंगे, और जो नेक्स्ट वर्स है एग्जैक्टली सेम पहले वर्स की तरह, सेम प्रोग्रेशन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो आई होप उसको आप प्ले कर लेंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक अ बर्ड ऑन अ ट्री I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful.